स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। नागदा पहुंचे पूर्व कांग्रेस गृह मंत्री बाला बच्चन पहुंचे। नागदा शादी समारोह में साथ ही वर्तमान विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के बंगले पर की मीडिया से बातचीत। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन के नागदा में एक विवाह समारोह में पहुंचे कमलनाथ सरकार के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, जिन्होंने मीडिया से खास बातचीत की। मीडिया ने जब बाला बच्चन से पूछा कि नारी सम्मान के लिए पूरे प्रदेश में जो नारी सम्मान योजना ला रही है, क्या है ये योजना, तब बाला बच्चन ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने नारी के सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को कांग्रेस सरकार बनने पर 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। चूंकि रसोई का सारा दारोमदार महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए कांग्रेस सरकार बनने पर 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। जब हमने ये पूछा कि पूर्व में नागदा आए जीतू पटवारी ने नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को मंत्री बनाए जाने की बात कही थी, उस पर पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि यह पार्टी का निर्णय रहेगा और दिलीप सिंह गुर्जर की छवि जनता की नजरों में बहुत अच्छी है, जनता इन्हें पसंद भी करती है। और जब हमने विगत कई महीनों से नागदा को जिला बनाने की मांग उठती आ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने अपनी 15 माह की सरकार में नागदा को जिला बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसे शिवराज सरकार ने अभी तक जिला नहीं बनाया गया। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो महज 15 दिन में नागदा को जिला बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। आइए जानते हैं पूर्व कांग्रेस गृह मंत्री बाला बच्चन ने क्या कहा। नागदा से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है इस योजना को लेकर। नारी सम्मान योजना के माध्यम से नारी शक्ति को इस महंगाई से एक राहत मिलेगी। 1500 रुपये हर महीना हर समाज के हर महिला को मिलेगा, और उसके बाद जो LPG गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपये में मिलेगा। एक महिला को लगभग एक साल में 25 से 30 हज़ार रुपये का आर्थिक बचत होगी, आर्थिक लाभ होगा। तो महिलाओं में एक जोश और उत्साह है, और हम लोगों के सभी क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर इसके नारी सम्मान के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ये एक अच्छी योजना है महिलाओं के लिए, क्योंकि घर का जो बजट संभालने का काम और बजट जो देखती है, आर्थिक व्यवस्थाएं घर की जो है, वो महिलाओं के हाथ में होती है। और शिवराज सिंह जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने, इसको पूरी तरह से घरों का बजट बिगाड़ दिया है। आर्थिक व्यवस्थाएं घरों की खत्म हो गई है, वित्तीय व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई है, तो उससे लाभ मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले जीतू पटवारी जी भी आए थे, जिन्होंने कहा था कि मैं मंत्री बनूं ना बनूं पर दिलीप सिंह गुर्जर मंत्री बनेंगे, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो चुनाव के बाद का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पार्टी जिस तरह से जो तय करती है, जैसे ठीक है, ये अब कोई भी कुछ भी बात अपन ही कह सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम है आप लोग सब समझते हो, जानते हो, पहले दिलीप भाई का माहौल वातावरण अभी अच्छा है, अच्छे वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5वीं बार के MLA है, जब 6ठी बार जीतेंगे तो सुनिश्चित ये सब सारी चीजें होगी। अभी एक जो कमलनाथ सरकार ने जो है नागदा को जिला बनाने का घोषित किया था, उसको लेके अभी जो है कई तरह के आंदोलन किए गए, अभी शिवराज सरकार इसको सुन रही है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, आदरणीय कमलनाथ जी ने अगर जिला बनाने का वचन जिला बनाने का अनाउंसमेंट अगर किया था, तो बहुत जल्द अभी वो मुख्यमंत्री बनते ही कार्रवाई को आगे बढ़ा देंगे। तो क्या कांग्रेस, जैसी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बिल्कुल तत्काल, वो तो अभी तक अगर होते थी, ये तो अब जिले के रूप में सब सारी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती और एक्टिविटीज और गतिविधियाँ शुरू हो जाती, उसमें कोई बात नहीं। कमलनाथ जी ने अनाउंसमेंट अगर किया तो कमलनाथ जी फिर से CM बनेंगे तो वापस कर देंगे। धन्यवाद।